अपनी ट्रेन अहमदाबाद वरुण एक्सप्रेस, मेरे सारे लोग बाहर आ चुके हैं, ट्रेन क्योंकि खड़ी हो गई है। समय देखिए, घड़ी थोड़ा ख़राब हो गया, कैमरा का प्रॉब्लम नहीं है, कैमरा में से चल रहा है, लेकिन घड़ी बराबर है। 9:50 की टाइमिंग हुई है, बाकी एक इंजन यहाँ पे खड़ी हुई है। गाड़ी आ चुकी है अपना खंडवा जंक्शन, चलिए देखते हैं आपको। अभी तक 700 किलोमीटर डिस्टेंस तय की है, तो दोपहर के 2 बजने वाले हैं। 1:48 गाड़ी पूरी टाइमली है, तो देखिए किला बिक रहा है यहाँ पे खंडवा जंक्शन, वहाँ से देखते हैं। कुछ है तो पानी लेना है, इसके बाद अलावा और कुछ भी होगा, खाने पीने का मन तो नहीं है, फिर भी देखते हैं, कुछ ढंग का हो तो ले लेते हैं। लिट्टी समोसा वगैरह मिल रहा है, इसके अलावा कुछ है तो फिर हम ट्राई करते हैं। 2 मिनट का यहाँ पे स्टॉपेज है बस, अब घूम लेते हैं। फिर भी वेंडर टाइप का कुछ सिस्टम तो दिख नहीं रहा है मेरे को। पहुँच चुके हैं इटारसी जंक्शन, तो यहाँ पे भैया फ्रेश इडली बेच रहे हैं। तो समय अभी 4:15 बज रहा है, 20 मिनट गाड़ी लेट है हमारी, आपको दिखाते हैं और क्या क्या यहाँ पे, यहाँ पीने का पानी वगैरह दिख रहा है यहाँ पे। इसके अलावा भैया टिटी वगैरह दिख रहे हैं, खड़े हैं सभी लोग, इतनी सामान खा रहे, मजे ले रहे हैं। यहाँ भैया अंडे छोले बेच रहे हैं, और कुछ कुछ है बिकने के लिए, बाकी को तो दिख नहीं रहा है, इतनी सामान ही थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है। चाय वगैरह मिल रहा है, ट्रेन आ चुकी है हमारी ललितपुर जंक्शन। समय बज रहे हैं 8:50 हो चुके हैं, 5:30 जल्दी पहुंचा दिए। मैंने ऑर्डर किया था राइट चॉइस से करके, रेस्टोरेंट है यहीं पे, डिलीवर करेगा आलू पराठा, अभी तक आया नहीं, देखते वेट करते मिलता है, अदरवाइज मैं कुछ और से कुछ ले लूँगा। मैं भैया के पास पैसे फ़ोन कर लेता हूँ, ये गाड़ी अपने पीछे खड़ी है, 8:55 का खुलने का बाकी है, देखते आती है नहीं आती है। चलिए आपको तो दिखाते हैं यहाँ पे जंक्शन वगैरह पे, पूरा खाली खाली जंक्शन ज़्यादा है, भरा नहीं है, कुछ मिल भी नहीं रहा है प्रॉपर। 3000 years later। गुड मॉर्निंग गाइस, तो ट्रेन पहुँच चुकी है अभी बाजार 6 की, इलाहाबाद यूपी में, सुबह के बज रहे हैं 8, ट्रेन हो चुकी है 40 मिनट लेट। देखते कुछ खाने पीने का बाहर का नज़ारा, भाई चलिए बाहर आ चुके हैं ट्रेन के, हम देखते कुछ खाने पीने के लिए है भाई, ट्रेन लगता है लिट्टी विट्टी मिल रहा है कहीं पे, देखते हैं थोड़ा अच्छा होगा तो खाएंगे, नहीं सुबह सुबह पता नहीं, रात वाले गर्म करके दे देते हैं, क्योंकि तो बैड एक्सपीरियंस रहा है हमेशा हर जगह का। समोसे मिल रहे हैं भैया के पास, देखते समोसे थोड़ा खाते हैं। कैसे भैया समोसा? 20 का 3 दे दीजिए एक समोसा यार, देखते खाते हैं, भूख लगी है तो गाय ने ले लिया समोसा। चलते हैं, था पानी का भी बोतल लेना है, देखते हैं पानी का ले लें कहीं पे, ले जा के लेते हैं, समोसे खाते हुए चलते हैं, बात करते हैं आपसे। ये प्रयाग से की अपना ये रहा ट्रेन, तो बाहर हम निकल के मज़ा लेते हैं थोड़ा, तो अपना इधर का भाई थोड़ा आ रहा है यहाँ पे। समोसे आपको यहाँ पे कहीं नहीं मिलेंगे, 20 रुपये इतने सस्ते समोसे, आपको बिहार में अच्छे टेस्ट भी रहते हैं, स्टेशन में थोड़ा इतना अच्छा आपको नहीं मिले, लेकिन बाहर आप जाएँ आपको बहुत बेहतर ही टेस्ट के साथ मिलेगा समोसा। देखते हैं यहाँ से पानी ले लेते हैं। ट्रेन रुक चुकी है यहाँ पे बीच खेत खलिहानों में, तो देख रहे हैं यहाँ पे सारे लोग ट्रेन से उतर चुके हैं, तो पासिंग दे रहे हैं, किसी ट्रेन को सिग्नल है नहीं, और ये भैया अपनी रील की तैयारी कर रहे हैं, इंस्टाग्राम रील बना रहे हैं बीच पटरी में। देखिए एक दो लोग पटरी पे बैठे हुए भी हैं, मौसम आपको देख रहा है काफ़ी, अभी मौसम खुल गया, धूप भी आ गई, सामने सन है, तो ट्रेन ने दे दी है सिटी, लोग भागेंगे जल्दी से अभी। चलिए खुलेगी अपनी ट्रेन, गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे है खड़ी, तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ है नहीं, खीरा वगैरह ही है, ठंडी का मौसम है, कुछ और ही ट्राई करते हैं हम लोग, तो ट्राई कर सकते हैं, सर्दी वगैरह हो जाएगी,
देखते हैं इसके अलावा और क्या है, ज़्यादा कुछ मुझे दिख तो नहीं रहा यहाँ पे। गाइस ट्रेन अपनी आ चुकी है दानापुर पटना बिहार में, तो ट्रेन चल रही है डेढ़ घंटा डेली। तो सामने देखते हैं यहाँ पे आयल कटिंग की आटर फॉर ऑल है, पीते हैं। चलिए ICICI बैंक की तरफ से लगाया गया है, तो देखते हैं पीते हैं कैसा टेस्ट है पानी का, बाहर निकलते हैं। तो गाइस ऑलमोस्ट हमारी गाड़ी खाली हो चुकी है दानापुर पटना बिहार में, काफ़ी लोग उतर चुके हैं। तो आपको भी देखिए 2:41 हो रही है, 2:45 का टाइम, पूरा ट्रेन ऑलमोस्ट खाली हो चुका है। देखिए हमारे ऊपर नीचे सारे लोग चले गए हैं, हमारी जर्नी भी बची है अभी हाजीपुर मुजफ्फरपुर 3 स्टेशन और। चलिए देखते हैं कितना टाइम और लगता है। गुड इवनिंग गाइस, तो चलिए फाइनली अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है, हम आ चुके हैं ब्रिज के ऊपर, चलेंगे रेलवे के फिर से चुतियापे के चलते। ट्रेन हमारी छुट्टी है घर जाने वाली, अभी कोई सवारी है नहीं हमारे पास, तो वेट करना पड़ेगा 4 से 5 घंटा, कुछ सवारी मिले देखते हैं। ट्रेन को डिले कर दिया बिहार में आके, तो यहाँ का सिस्टम करप्ट है पूरा बोल सकते हैं, क्योंकि हर बार ऐसा ही रहता है इनका सिस्टम, क्या बताएं। चलिए हम पहुँच गए किसी तरह घर फाइनली, यहाँ से देखते हैं कुछ होगा तो अभी खाना पीना खाते हैं अच्छे से, वेट करेंगे। मैच चल रही है, अच्छा मज़ा आ रहा है, मैच देखेंगे हम। यहाँ से निकलते हैं बाहर, प्लेटफॉर्म नंबर 1 से गाड़ी उतारी थी 5 नंबर पे, यहाँ से हम जाएंगे बाहर, मिलते हैं आपको बाहर का थोड़ा दिखाते हैं अभी मौसम वगैरह कैसा चल रहा है। तो गाय जा चुके हैं हम नीचे मेन वहाँ पे जंक्शन वगैरह वहाँ पे थोड़ा आगे, तो वो पूरा आगे वाले गेट से उतारे जिस तरफ हमारे घर वगैरह है। तो डायरेक्ट हम निकलते हैं यहाँ से बाहर और कुछ खाने पीने का जुगाड़ देखते हैं बाहर निकलते हैं, क्योंकि तो ट्रेन तो कुछ है नहीं वो तुम्हें तो पता है। वो तो हसनपुर समस्तीपुर के मार्केट में घूम रहे हैं, यहाँ पे देखते कुछ खाने पीने के लिए है, तो भैया यहाँ पे बेच रहे हैं समोसा वगैरह लग रहा है स्वादिष्ट, हाँ समोसा है, तब खाना ट्राई करेंगे, समोसा वगैरह तो खाने का कुछ मूड नहीं है यहाँ पे। काफ़ी रेस्टोरेंट वगैरह खुली हुई है, मीट नॉन वेज वगैरह खा सकते हैं, लिट्टी हमारे बिहार के वहाँ पे बन रही है। कुछ ढंग के होटल में जाते हैं कुछ खाना खाएंगे हम, वेज ही खाएँगे, तो छठ पर्व का टाइम चल रहा है तो उसमें नॉन वेज वगैरह चलता नहीं है। चलिए आपको मिलते हैं दिखाते हैं, ऐसा मार्केट है समस्तीपुर बस स्टेशन के बाहर निकलेंगे तो यह सब आपको मिल जाएगा यहाँ पे खाने पीने जो भी है। सामने होटल वगैरह काफ़ी होटल है, अब वहाँ पे भी ट्राई कर सकते हैं, हम भी ट्राई करते हैं कहीं पे फिर देखते हैं। तो चलिए गाइस हम पहुँच गए समस्तीपुर फाइनली जंक्शन, देख रहे समस्तीपुर स्वागतम आपका है। तो ब्लॉग कहीं पर एंड करेंगे, ब्लॉग हो जाएगा लंबा, जर्नी हमारी ठीक ठाक ही रही है थोड़ी बहुत, रेलवे की क्या बोल सकते हैं रेलवे क्या सिस्टम की, इसके चलते हमारी गाड़ी छूट गई और ट्रेन लेट पहुँचाई, 3 घंटे डिले हो गई थी, डिले थी नहीं, आगे आके बिहार में घुसते हैं ट्रेन डिले हुई है, मतलब यहाँ का सिस्टम थोड़ा है कुछ नीचे लेवल का। चलिए कोई नहीं, हमेशा लेट होती है ट्रेन यहाँ पे, रेलवे तो ऐसे लेट होती है, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा हम फिर कुछ बोलेंगे नहीं, मिलेंगे आपको नए ब्लॉग के साथ। कैसा लगा हमें वीडियो जहाँ तक वो हमने दिखाया कि अपना अहमदाबाद भवन एक्सप्रेस 1984 गाड़ी थी जो 40 घंटे की समय ली, जो रात में 12:35 को चली थी और यहाँ पे अभी 5 बजे का टाइम था जो 8 बजे पहुँचाई है, लगभग इसमें 28 स्टेशन को इसने क्रॉस किया था। चलिए मिलेंगे, ये ब्लॉग कहीं पे एंड करते हैं, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो, थैंक यू गाइस आप यहाँ तक देख रही हैं तो लाइक जरूर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, फ्रेंड दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो, थैंक यू गाइस।